तो आज हम कहते हैं फौज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज हम कहते हैं दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन उसको नहीं कहते, दामन इस कुर्ते को नहीं कहते, दामन नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब उनके कहने के मुताबिक अमल करेंगे। वो अगर नमाज का हुक्म देंगे हम नमाज पढ़ेंगे, वो सुन्नत का हुक्म देंगे हम सुन्नतों पर अमल करेंगे, वो अगर कहेंगे बड़े बूढ़ों का अदब करो हमारे ऊपर लाजिम है पीर की पैरवी करना, और असल पीर वो होता है तो खुद अल्लाह और उसके रसूल से डरता है, और उसके चाहने वाले जितने भी है उनको भी ये नसीहत करता रहता है। असल मोहब्बत क्या हमारे पीरों कभी नमाज छोड़ते थे है भाई? कभी नमाज छोड़ते थे क्या? सुन्नत के खिलाफ कोई अमल करते थे तो उसको दामन कहते हैं, उसको दामन कहते हैं। अरे हम कहते हैं कोस का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो कोस अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला हो, आप की शाखे बलू से फजर की नमाज एक दिन नहीं, चार महीने नहीं, चार साल नहीं, बल्कि ईशा के बलू से आपने फजर की नमाज पढ़ी 40 साल तक। कितने 40 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। यू ही नहीं हुई, कोई मर्तबा नहीं मिलता, और ये लोग मर्तबे के लिए अमल भी नहीं करते। याद रखना, याद रखना, अब मैं आपको बुरी बात बता दूं, अल्लाह वाला कोई भी मर्तबे के लिए अमल नहीं करता कि मैं ये काम करूंगा तो बड़ा बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो बड़ा बन जाऊंगा, मैं तकरीर करूंगा तो बड़ा बन जाऊंगा। अरे तकरीर कर ली मगर लिल्लाहियत नहीं है तो क्या बनेगा? तकरीर कर ली दिखावे के लिए, तकरीर कर ली कि लोग मेरे को अच्छा कहेंगे, ऐसे नियत से ना करो, मैं कलाम बोल दूं लोग अमल कर जाए तो अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा देगा। जो लिल्लाहियत के साथ बोलता है बड़ा बनने के, बड़ा तो कोई नहीं बना सकता सिवाय खुदा के। इंसान चलाएगा कुर्सी पर बिठाएगा, क्या खबर कब टूट जाए, क्या खबर कब टूट जाए। अरे कुर्सी मिलती है तो अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसी का नाम कुर्सी है, इसी का नाम कुर्सी है। तो वो लोग इज्जत दुनिया में इज्जत कमाने के लिए अमल नहीं करते, वो तो ये समझते करते हैं अरे कोई नौकर होता है, कोई नौकर होता है, कोई आका के यहाँ गुलामी करता है तो फर्ज बनता है कि भाई ये मेरा आका है और मैं इसका गुलाम हूँ, ये मेरा रब है मैं उसका बंदा हूँ। इस नीयत से अगर कोई अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी आबाद कर देता है और अल्लाह ताला उसको आखिरत में भी बर्बाद कर देता है। बहुत से अल्लाह वाले जितने भी अल्लाह के वली है बगैर शरीयत के, बगैर शरीयत के कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। बहुत से लोग ऐसा कहते हम तो डायरेक्ट, क्या कहते हम तो डायरेक्ट तरीकत वाले, ऐसा नहीं होता भाई। डायरेक्ट तरीकत नहीं कहते, नमाज का कहो तो क्या हमारे लिए माफ है? कोई के ऊपर नमाज माफ नहीं है, कोई के लिए नमाज माफ नहीं है, हम तो डायरेक्ट तरीकत वाले हैं। मैं आपको बताऊं पहले शरीयत बाद में तरीकत है भाई, पहले दूध बाद में मलाई है, बगैर दूध के कोई मलाई निकाले वो नहीं हो सकता। तो पहले दूध बाद में मलाई, मलाई के बाद मक्खन है और मक्खन के बाद घी है, ये चार चीजें नहीं है। पहली शरीयत है, फिर तरीकत है, फिर मारिफत है, फिर हकीकत है, इसके बगैर कुछ होता नहीं है। ये सब छोड़ना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया है भाई। तो नबी का दामन थामो, वलियों का दामन थामो, अल्लाह के वली उम्मीद उम्मीद नहीं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। उन्होंने नबी को राजी कर दिया, खुदा को राजी कर दिया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर दिया, समझ लेना पूरी खुदाई को राजी।